हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ज्ञानम। हां जी, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक नोटिफिकेशन आउट की है जिसमें उन्होंने कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की 7 वैकेंसीज, तहसीलदार की 14 वैकेंसीज, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की 5 वैकेंसी और टर्शरी ऑफिसर की 3 वैकेंसी आउट की हैं। मतलब हमारे पास टोटल 29 वैकेंसी आउट। तो हिमाचल के कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अब अच्छे से तैयारी करो और आप अच्छी जॉब पा सकते हैं। हां जी, अब सबसे पहली चीज आती है कि हमने फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो ये हमारी एक वेबसाइट है जहां पे जाके आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो पोस्ट को अप्लाई करने का तरीका है, जो फॉर्म फिल करने का तरीका है, वो एक ऑनलाइन मोड रहेगा। और हां जी, एक इंपॉर्टेंट चीज और, पेपर को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो है 14 जुलाई, और फीस को फिल करने की भी जो लास्ट डेट है वो रहेगी 14 जुलाई। तो फटाफट अपना पेपर फिल कर लो, क्योंकि लास्ट टाइम लास्ट में जाते जाते जो साइट है वो बिजी हो जाती है। हां जी, यहां पे अब सबसे पहले आता है कि हमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। सिंपल, उन्होंने बैचलर डिग्री मांगी है। और अब अगला पॉइंट बच्चों के माइंड में क्या आता है डाउट, कि अगर मैंने अभी एग्जाम दिया है बट रिजल्ट नहीं आया तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? यस, यू कैन अप्लाई। यहां पे क्लियरली मेंशन है कि अगर आपका एग्जाम हो गया है बट आपका अभी रिजल्ट पेंडिंग है तो आप इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उससे अगली बात, क्या मैम हम एज के लिए एलिजिबल हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, अगर आपकी एज 21 से अबव और 35 से कम है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो एज है ये 1 जनवरी 2022 के रेस्पेक्टिव में चेक की जाएगी, मतलब इस डेट से कैलकुलेट की जाएगी। नेक्स्ट, हां जी, अब अप्लाई कैसे करना है? ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आप hppsc.hp.government.in की साइट पे जाके आप अपने फॉर्म को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट, अब फीस कितनी है? हां जी, अगर आप जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो फीस है दैट इज 400, ठीक है। अगर कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट, अगर आप एचपी स्टेट के कैंडिडेट नहीं है तो आपकी फीस तो भी कितनी रहेगी? 400। अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं तो आपकी फीस कितनी रहेगी? 100 रुपीज, ठीक है। और अगर आप एक सर्विसमैन है ऑफ एचपी, हिमाचल प्रदेश के एक सर्विसमैन है, या फिर आप ब्लाइंड विजुअल इंपायर्ड या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो कोई फीस नहीं, ठीक है। हां जी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? प्री एग्जाम होगा, उसके बाद मेंस का पेपर होगा, उसके बाद एक पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। अब हम देखते हैं कि प्री के पेपर में क्या क्या आता है। हां जी, पेपर वन होगा जर्नल स्टडीज का, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर रहता है 200 मार्क्स का, ठीक है। ये पहला पेपर रहेगा जिसमें सिलेबस रहेगा सारा जर्नल स्टडीज का, जीके का, ठीक है जी। नेक्स्ट, पेपर टू जो कि एक एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, यहां पे भी 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 200 मार्क्स रहेंगे, और ये सिलेबस रहेगा जिसमें कि इंग्लिश भी होगी, आपकी रीजनिंग भी होगी और बेसिक सा पॉइंट्स भी होगा। लिखा है, मेंशन है यहां पे, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जर्नल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब लिखा है 10th लेवल तक का, इंग्लिश लैंग्वेज 10th लेवल तक की। प्री करने के बाद क्वालिफाई, आप मेंस के लिए एलिजिबल होंगे,
ठीक है जी। हाँ जी, तो यही अच्छा टाइम है, अभी अपनी तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर लो, सो दैट जब आपका एग्जाम हो तो आपकी तैयारी पूरी हो चुकी हो। और अगर आप चाहते हैं कि जब भी कोई नोटिफिकेशन आउट हो और आपको सबसे पहले पता चल जाए, सो दैट आप उसी के अकॉर्डिंग जल्दी से फॉर्म फिल कर सके और तैयारी कर सके, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।